ये देश की एजेंसी कहाँ सो रही थी, और इतने साल के बाद जो केस बंद हो गया उसको भी खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के नेता को, पिछड़े के नेता को कहीं ना कहीं ये परेशान करने का ना, वो गलत दिशा में भटक चुका है। जिनको बच्चे के लिए स्कूल खोलना है, जिसके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आज ये काम को छोड़कर मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि आप जनता के बीच में अच्छा काम कीजिए और आप जनता का प्यार और स्नेह लीजिए, लेकिन आज जो देश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप बताइए कि कितना साल पुराना केस है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी अपने आवास पे जुब्बा सहनी के शहादत दिवस मना रहे हैं, और ऐसे में मुकेश सहनी से जब सवाल किया गया कि लालू यादव के घर पे छापे पड़ रहे हैं राबड़ी आवास पे, और इसके बाद अब उनके दिल्ली स्थित मीसा भारती जो उनकी बेटी उनके आवास पर CBI पूछताछ कर रही है, उसके साथ ही तेजस्वी यादव की पत्नी जो कि प्रेग्नेंट है और उससे भी उनको लेकर लालू यादव ने ट्वीट किया है ट्विटर पर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप इस वीडियो में देखिए। पहले भी कह चुका हूँ भी कह रहा हूँ कि खास करके मैं जो देश की राजनीति जो है ना वो गलत दिशा में भटक चुका है। जिनको बच्चे के लिए स्कूल खोलना है, जिसके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आज ये काम को छोड़कर मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। तो और अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना ही कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को डराना चाहिए। तो आज देश में इस तरीके का व्यवस्था बन चुका है कि अपने दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है। ये नहीं कि आप जनता के बीच में अच्छा काम कीजिए और आप जनता का प्यार और स्नेह लीजिए, लेकिन आज जो देश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप बताइए कि कितना साल पुराना केस है, ये देश की एजेंसी कहाँ सो रही थी, और इतने साल के बाद जो केस बंद हो गया उसको भी खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के नेता को, पिछड़े के नेता को कहीं ना कहीं ये परेशान करने का ये षड्यंत्र है, और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस सब चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और इस सब से झुकने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। सर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी डराने धमकाने की राजनीति करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना, मुकेश सहनी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि गरीबों और पिछड़ों के नेता को परेशान किया जा रहा है और उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए और किसी को परेशान, क्योंकि वो पिछड़े और दलितों के नेता हैं और हमारे नेता को ऐसे परेशान करके बीजेपी अच्छी नहीं करे, तमाम तरह की बातें कहते हुए मुकेश सहनी नजर आए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बन रहे हैं, आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।